इस कार के सनरूफ को आप ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, टेक्निकला मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऑडी RS3 कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एड ऑन में जाइए। उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद XC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्शन के वह फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ RS3 S20 का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट.rpf कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक डिजिकल राइनर स्टेस को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ कौन सी बैक लाइन को कॉपी कीजिए। कौन सी बैक लाइन को कॉपी करने के बाद उस लाइन को लास्ट में पेश कीजिए। उस लाइन को लास्ट में पेश करने के बाद इतना कट कीजिए। इतना कट करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा RS3S20। RS3S20 टाइप करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल है, मैं आपको मैन्युअली टाइप करना होगा RS3S20। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो ऑडी RS3 कार आ गई है। हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। ऑडी का लोगो, RS3 की बैजिंग। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं। मैं आपका इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो
कार स्टार्ट हो गई है। इसके हेडलाइट्स मैं आपका इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। इस कार में आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। इस सनरूफ को ओपन एंड क्लोज करने के लिए हिच को होल्ड कीजिए। हिच को होल्ड करने से इस कार की सनरूफ ओपन हो जाएगी और फिर से हिच को होल्ड करने से इस कार की सनरूफ क्लोज हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो सनरूफ ओपन हो गई है। अब मैं फिर से हिच को होल्ड करूँगा तो ये सनरूफ क्लोज हो जाएगी। इस कार के सनरूफ को आप ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हो। इस कार के फ्रंट बम्पर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के रियर बम्पर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के स्किड्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के एग्जॉस्ट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के चेसिस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार की ग्रिल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के रूफ को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें आपको एक लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नाइट का लुक देख लेते हैं। ये हम देख सकते हो इस कार का नाइट का लुक, इसके हेडलाइट्स, इसके डीआरएल्स आप देख सकते हो, इसके इंडिकेटर्स। चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। वन एटी
194 ब्रेक्स, ब्रेक्स भी मस्त है। पिकअप मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।